आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम टेस्टी और मज़ेदार मटन दम बिरयानी। इतनी टेस्टी और इतनी आसान है ये बनाना कि आप इसको अगर एक बार देख लेंगे ना तो इसी तरीके से इसको बनाना पसंद करेंगे। कम वक्त में, कम टाइम में किस तरीके से बिरयानी को हम बना सकते हैं एकदम बावर्ची और रेस्टोरेंट स्टाइल, इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे। बिरयानी के चावल का एक एक दाना खिला खिला बनेगा, जैसे कि बावर्ची बनाते हैं ना शादियों में और रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, एकदम खिले खिले चावल वाली बिरयानी बनकर के तैयार होगी। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पर क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर इस टेस्टी सी मज़ेदार मटन दम बिरयानी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज बनाएंगे दावतों के लिए एकदम खास मटन दम बिरयानी। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 किलो 2 केजी मटन लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें जो भी फैट वगैरह लगा हुआ था ना वो सारा हमने निकाल लिया है, उसको साफ़ कर लिया अच्छे से। और देखिए इसके हमने इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस करवाए हैं। आप अपने हिसाब से इसके पीसेस करवा सकते हैं, मगर इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस करवाने से जो है ना मटन बिरयानी में चूरा नहीं होता है। और यहाँ हमने ली है हरी मिर्च 50 ग्राम और 500 ग्राम हमने लिया है टमाटर, और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम हरी मिर्च को अलग से मिक्सर में पीस लेंगे और टमाटर को भी अलग से पीस लेंगे और इसको रख देंगे साइड में। और यहाँ एक कुकर लिया है हमने, और इसमें देखिए प्याज का जो हमने बिरिस्ता बनाया था ना वही तेल हम यूज़ कर रहे हैं। तो तेल का यूज़ जो है हमारे खानों में ज़्यादा होता है, आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिए। तो यहाँ हमने 400 से 500 ग्राम तक तेल लिया है। ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें 2 से 3 तेज़पत्ते डाल दिए हैं। 2 टेबलस्पून लिया है ज़ीरा। खड़े गरम मसाले इसमें ज़रूर से डालिए, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा बिरयानी में। और देखिए 3 से 4 टुकड़े जो है दालचीनी के हैं, ये 1-1 इंच के टुकड़े हैं, ये डालेंगे। 10 लौंग ली है, और यहाँ देखिए ये 10 लौंग ली है, ये भी डाल देंगे हम। और 2 बड़ी इलायची है, 4 बादियान का फूल है, 4 हरी इलायची है, और 1 जावित्री का बड़ा फूल लिया है, ये डाल देंगे। 15 काली मिर्च के दाने लिए हैं, ये डालेंगे। और यहाँ देखिए हमने प्याज ली है, तो हमने 1.5 किलो प्याज ली थी, तो बाकी का जो है हमने बिरिस्ता बना लिया है। और ये इतनी जो है ये 3 से 4 प्याज होगी, तो इसको हम कच्ची ही डाल रहे हैं इसमें, और बाकी का हमने बिरिस्ता बना लिया है। और इस प्याज को डालने के बाद में हमको इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। आप चाहे तो इस प्याज को हम पीस कर भी डाल सकते हैं, कच्ची प्याज को, मगर हमने इसको ऐसे ही डाल दिया है। और देखिए इसको हमने ज़्यादा पकाया नहीं है, बस हम इसको इतना ही पकाएंगे। और यहाँ हमने 1/2 कप भर कर लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर चम्मच से देखें तो 5 से 6 बड़ा चम्मच ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, तो फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट लीजिए, इससे बिरयानी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। लहसुन और अदरक के पेस्ट को डालने के बाद में हम इसको एकदम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन और अदरक अच्छे से भून गया है, तो अब हमने जो हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था ना ये डाल देंगे। आप चाहे तो हरी मिर्ची को चीरा लगाकर भी इसमें डाल सकते हैं, मगर हम इस तरीके से पेस्ट बनाकर डालते हैं तो हरी मिर्ची जो है एकदम अच्छे से इसमें मिक्स हो जाती है, फ्लेवर भी बढ़कर आता है। वरना क्या होता है जब हम चीरा लगाकर डालते हैं ना तो उसको निकाल निकाल कर फेंक देते हैं। तो इस तरीके से डालिए। हरी मिर्ची के पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, और देखिए ये अच्छे से भून गई है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे साफ़ किया हुआ मटन। मटन में से हमने सारा पानी निकाल लिया है चलनी में रखकर, और इसको डाल देंगे हम। इतने आसान तरीके से हम आपको ये मटन बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं ना, तो इसको जो न्यू बिगनर होते हैं ना खाना बनाने के लिए, जो खाना बनाना सीखते हैं, वो भी इसको एकदम आसान तरीके से बना पाएंगे, बैचलर भी इसको बना पाएंगे, ये इतनी आसान रेसिपी है। तो सारा मटन हमने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने जो है 2 केजी मटन लिया है, तो हमने यहाँ 1.5 केजी चावल लिया है। चावलों से थोड़ा ज़्यादा ही हम मटन की क्वांटिटी रखते हैं, क्योंकि इससे बिरयानी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, और 3 टीस्पून भरकर हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, तो यहाँ हम 3 चम्मच भरकर धनिया पाउडर डाल रहे हैं।
कौन कौन बिरयानी में धनिया का फ्लेवर पसंद करता है और हमारी तरह बिरयानी में धनिया यूज़ करता है पाउडर को, तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और हम जो है एडिटिंग कर रहे हैं और ज़ोरों की बारिश हो रही है बाहर। बार बार हमें ऑडियो को कट करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी बारिश की आवाज़ आती है इसमें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, 500 ग्राम टमाटर का, सारा ही पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। तो टमाटर का पेस्ट बनाते वक्त बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, बस इसको पीस लेंगे तो अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बन जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मटन है ना, 2 kg मटन है, उसके हिसाब से हम इसमें नमक डाल रहे हैं और उसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो कुकर जो है काफ़ी फुल हो गया था मटन से और इसके अंदर देखिए ये बड़ी साइज़ वाली हमने नली भी डाली है ना, तो चम्मच चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मगर इसके बावजूद हम आपके लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं दही। तो यहाँ हमने 1 पाव दही लिया है और इसको अच्छे से फेंट लिया है, ये डालेंगे। बाउल को अच्छे से साफ़ करके डालेंगे, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। इतनी टेस्टी और इतनी खुशबूदार, इतनी स्पाइसी ये बिरयानी बनी थी ना कि आप इसको बनाएंगे ना तभी आप इसका टेस्ट जान पाएंगे। तो देखिए मसाला मटन पकना शुरू हो गया है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना। तो हमने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है और 1 मुट्ठी पुदीना लिया है और उसको बारीक कट करके डाल दिया है इसमें, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पर इसकी एक सीटी आने देंगे और इसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर कुक करेंगे और मटन के गल जाने तक इसको पकाएंगे हम। मटन के गलने तक हम चावलों को बॉईल करेंगे। यहाँ हमने एक बड़ा पतीला लिया है और इसके अंदर हमने डाल दिया है पानी, तो पानी हम चावलों से 2 से 3 गुना ज़्यादा पानी डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर खड़े गर्म मसाले डालेंगे। तो देखिए यहाँ हमने 2 तेज़पत्ता लिया है, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं ये डाल देंगे, 3 हरी इलायची ली है और यहाँ 1/2 चम्मच शाजीरा लिया है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो इसको ज़रूर से डालिए। साथ ही हमने 15 से 20 काली मिर्च के दाने और 6 से 7 लौंग ली है ये डालेंगे। 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे हम। तेल डालने की वजह से क्या होता है ना, चावल स्टिकी नहीं बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे नींबू का जूस, तो यहाँ हमने 1 नींबू ले लिया है और उसको कट करके देखिए इसको इस तरीके से निचोड़ कर इसमें डाल रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो नमक जो है हमें चावलों से दुगना डालना है, जितना हम चावलों में डालते हैं ना उससे 2 गुना ज़्यादा हम इसके अंदर नमक डालेंगे क्योंकि हम इसका पानी जो है बॉईल करने के बाद में फेंक देंगे, चावलों को छान लेंगे ना तो नमक जो है बराबर हो जाएगा और चावल बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे। और यहाँ देखिए हमने यहाँ सेला बासमती राइस लिया है, 1.5 kg है ये, और इसको अच्छे से वॉश करके हमने 1 से 1.5 घंटा पहले इसको भिगो दिया है। इस तरीके से भिगोने से चावल बहुत ही खिले खिले और एकदम लंबे लॉन्ग ग्रेन बनते हैं। पानी में बॉईल आ गया है तो हमने चावलों में से सारा पानी निकाल लिया है और इसको अच्छे से देखिए चावलों को हम पानी से निकाल कर इसमें डाल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात से डालना होता है चावलों को क्योंकि पानी जो है काफ़ी गर्म है, बॉईल है, तो इसको एहतियात के साथ डालिए क्योंकि पानी उछलता है। और इसको डालने के बाद हम इसको 70 से 80% तक कुक करेंगे। यहाँ देखिए कुकर में से सारा प्रेशर निकल गया है तो हमने ढक्कन को खोल लिया है और अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है और मटन जो है एकदम अच्छे से गल गया है। हम आपको तोड़कर बताते हैं, देखिए कितने अच्छे से मटन गल गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। मटन को गलाते वक्त हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, बस पकाते वक्त मटन जो है अपना पानी रिलीज़ करता है, उसी पानी में हमने मटन को गलाया है। और ये प्याज का बिरिस्ता हमने बनाया है, इसको हम बिना पानी डाले मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस लेंगे। तो हमने प्याज को पीस लिया है और यहाँ हमारे चावल जो है बॉईल हो रहे हैं, तो 70% जो है चावल बॉईल हो गए हैं। तो जो नीचे की तह में हम चावल लगाते हैं ना उसको 70% बॉईल करेंगे तो चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। तो हमने चलनी ले ली है और इससे हम चावलों को पानी छान कर अच्छे से निकाल रहे हैं और इसको डाल देंगे एक परात में। और जो चावल की हम ऊपर वाली लेयर लगाते हैं ना, इसके लिए हम 80% चावलों को कुक करेंगे। तो पहले ये 70% वाले हम निकाल लेंगे और इसके बाद में 80% वाले चावलों को हम अलग से छान लेंगे। तो सारे चावलों को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और इसको गैस को बंद कर दिया है हमने।
और कुकर को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। इसका पानी जो है हमें थोड़ा सुखाना है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है ना। तो ये जो हमने मसाला लिया है ये बिरयानी मसाला है 3 चम्मच भरकर, क्योंकि अब तक हमने इसके अंदर पिसा हुआ मसाला ऐड नहीं किया था, तो अब हम डाल रहे हैं। और प्याज के बिरिस्ता को हमने पीस लिया है दरदरा सा, देखिए, तो ये भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ हमने एक नींबू का जूस लिया है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, तो ये भी डालेंगे इसमें। और देखिए पकाते हुए इसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी सूख गया है, और इसकी ग्रेवी हमें इतनी ही बनानी है, इसको ज़्यादा नहीं सुखाना है हमें, इतना पकाएंगे ताकि मसाला जो है हर तरफ अच्छे से फैल जाए चावलों पर। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे हम केवड़ा एसेंस 3 से 4 ड्रॉप। जिस बर्तन में हमने चावलों को बॉईल किया है ना, उसी बर्तन में हम चावलों की लेयर लगाएंगे। तो पहले जो हमने 70% चावलों को बॉईल किया है ना, ये डालेंगे। पतीले में आपको तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस चावलों को डाल देंगे। चावलों की एक लेयर लगाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे प्याज का बिरिस्ता। तो हमने थोड़ी सी प्याज अलग से रख दी थी फ्राई करके, तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। बिरिस्ता डालने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जो है ऑयल अलग से निकाल लिया है मसाले से, और अब हम डाल रहे हैं इसके ऊपर मसाले को। तो सब तरफ अच्छे से फैला कर डालेंगे। देखिए इतनी ग्रेवी बनाएंगे ना, तो हर तरफ अच्छे से मसाला फैल जाएगा। और अगर आप मसाले को बहुत ज़्यादा सुखा देंगे तो फिर जो है मसाला डालते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो फैलता नहीं है। ये देखिए कितने अच्छे से फैल रहा है सब तरफ मसाला। तो सारा मसाला हमने चावलों के ऊपर डाल दिया है। हम मसाले की जो है एक ही लेयर लगाने वाले हैं, और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चावलों को। तो ये 80% कुक किए हुए चावल है। हर तरफ अच्छे से फैलाकर चावलों को डालेंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से बिरयानी दम होती है और बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। और सब तरफ मसाला चावल अच्छे से जो है जब हम निकालेंगे ना, तो ये सही क्वांटिटी में निकल कर आते हैं। और यहाँ हमने 3 से 4 चम्मच दूध लिया था, गरम दूध, और इसके अंदर हमने 2 से 3 चुटकी केसर डाला है और येलो फूड कलर डाला है, और इसको हम डालेंगे। आप चाहे तो ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं, ग्रीन डाल सकते हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से डालिए। हम यहाँ पर येलो फूड कलर और केसर का यूज़ कर रहे हैं। तो कलर को हमने जो है छिड़क दिया है, देखिए इसके ऊपर। और हमने ये जो प्याज का बिरिस्ता लिया है ना, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये ऊपर से डाल देंगे इस पर। आप चाहे तो हरा धनिया पुदीना भी डाल सकते हैं, मगर वो क्या होता है ना, डालने के बाद में काला पड़ जाता है दम के बाद, तो हम वो नहीं डाल रहे हैं, बस हमने प्याज डाला है। और हमने जो है तेल अलग से निकाल लिया था ना मसाले में से, तो वो हम साइड से डाल देंगे। इस तरीके से डालने से जो है एकदम चावल जो है एकदम शाइनी बनेंगे और सब तरफ जो है तेल अच्छे से फैलेगा। अगर हम मसाले में ही सिर्फ तेल को रखते हैं ना, तो वो नीचे बैठ जाता है। देखिए इस तरीके से डालेंगे ना, तो एकदम शाइनिंग आएगी और चावलों में भी फ्लेवर आएगा मसाले का। बिरयानी दम के लिए तैयार है। तो अब हम इसको ढक देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। और पहले हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और इसके बाद में गैस की फ्लेम को एकदम कम कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम देंगे। और दम देते वक्त हमने जो गर्म पानी निकाला था ना, उससे भरा हुआ भगोना पतीला हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि दम जो है अच्छे से हो जाए। देखिए चावलों का बॉयल हुआ पानी हमने इसके ऊपर रखा है वज़न के लिए, इससे बहुत अच्छे दम होते हैं चावल। आप चाहे तो कोई भी वज़नदार चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं। और अब हम इसको खोलने जा रहे हैं। चावल बहुत ही बढ़िया दम हुए हैं, देखिए हम आपको खोलकर बताते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। जिस तरीके से शादियों में आती है ना, उसी तरीके से खुशबू आ रही है बिरयानी से। हमने गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद में इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ढककर के। और देखिए अब हम इसको आपको सर्व करके बताते हैं। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बिरयानी बनकर के तैयार है। अगर आप इस बिरयानी को एक बार खाएंगे ना, तो आप इस बिरयानी के फ़ैन हो जाएंगे। तो देखते ही देखते अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, तो इसको लाइक कर दीजिए, वरना आप जो है रेसिपी देखने के बाद में भूल जाते हैं। दावतों के लिए, पार्टीज़ के लिए ख़ास बिरयानी बनकर के तैयार है। और आपको मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी, कौन सी बिरयानी पसंद है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और चलिए हम आपको तोड़कर बताएंगे कि मटन इसमें कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है, कितने अच्छे तरीके से गल गया है। एकदम मसालेदार, स्पाइसी, चटाकेदार ये बिरयानी बनकर के तैयार हो गई है। आप तो रेस्टोरेंट में जाना भूल ही जाएंगे और बावर्ची के हाथ से पकाना भूल जाएंगे जब इस बिरयानी की रेसिपी को देखेंगे और बनाएंगे। देखिए मटन कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, एकदम टेंडर और मसाले से भरा हुआ मटन है ये। और बहुत ही शानदार बिरयानी, देखिए
अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, और हमें कमेंट कर बताइए कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।